वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो हम खास क्यों हैं? क्योंकि जब तक आप हमारे साथ हैं, और हम लोगों को आज ये 20 साल तक का सफर हमारे स्टूडेंट्स ने ही पूरा कराया, और साल दर साल कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हम लोगों की जिंदगी में आते हैं, कुछ अच्छा नाम रोशन करके जाते हैं और NTCSP के नाम को आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। इसी क्रम में कुछ बच्चों से आपके सामने रूबरू कराएंगे। इस क्रम में सुदामा प्रसाद से हमारे सामने आस्था सक्सेना जी, और इन्होंने एक अच्छा मुकाम अपने कॉलेज में स्थापित किया, बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं। कुछ जो कंडीशन चल रही है उसकी वजह से नंबरों को लेकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई थी, बट मैं इनकी पढ़ाई से पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, तो मैं इनसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। आस्था जी, आप अपने नंबरों को लेकर क्या महसूस करती हैं, क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या रिजल्ट आपका आया? सर, एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। थोड़ी गलती सिस्टम की भी है, स्कूल की भी है, कि बच्चों को इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल में नंबर सही नहीं देते हैं। सब 50 बच्चों के एक ही जैसे नंबर आ जाते हैं, तो रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया, लेकिन नॉलेज हमसे कोई नहीं ले सकता, इसलिए इतना डिमोटिवेट भी नहीं है, जो है सही है रिजल्ट तो। अच्छा, जो आपने पढ़ाई की यहाँ पर, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम हुए थे, तो उसको लेकर आपकी पढ़ाई के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? आपको एग्जाम में कोई डर लगा या नहीं लगा? आपको वो एग्जाम किस तरीके से आपने एग्जाम्स को लिया? प्री बोर्ड को हमने बोर्ड एग्जाम की तरह लिया था। जितना जब हमने प्री बोर्ड दे लिए थे तो बोर्ड का तो डर नहीं लग रहा था। बोर्ड का पेपर प्री बोर्ड से इजी आया था। प्री बोर्ड का पेपर तो सर ने बहुत टफ बनाया था, तो डर तो बोर्ड का बिल्कुल भी नहीं लगा था। फिर भी एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं है, पता नहीं क्यों सिस्टम की तो गलती। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आपके अंदर जो नॉलेज है वो आप उस नॉलेज को लेकर आगे बढ़िए। अच्छा, जो आपके जूनियर सब आने वाले हैं वो इस साल के रिजल्ट को देखकर थोड़ा सा भयभीत है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, की टेस्ट सीरीज में जरूर हिस्सा लीजिए और सारे टेस्टों को अच्छे से दीजिए, क्योंकि आपकी नॉलेज आपसे कोई नहीं ले सकता। नंबर तो मैटर नहीं करते हैं, नंबर किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो नंबर मैटर नहीं होंगे, अगर आपको नॉलेज है तो आपको जॉब मिलेगी। इसलिए नॉलेज है तो सब है, नंबर डज नॉट मैटर, नॉलेज इज मैटर। चलिए, थैंक यू। अब हमारे सामने फैजान जी हैं, इन्होंने इस्लामिया स्कूल से पहली पोजीशन प्राप्त की, इनकी पहली रैंक अपने कॉलेज में है, तो इनसे मेरा सवाल यह है कि क्या फर्स्ट रैंक आने पर आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? सर, संतुष्ट तो हैं, लेकिन जो है बहुत खराब अब की बार थोड़े से नंबर, जितनी उम्मीद थी उतने नंबर मिल नहीं पाए। मेहनत हमने करी थी लेकिन उतने नंबर नहीं मिल पाए, लेकिन नॉलेज है तो बस आगे चल जाएंगे, आगे कंपनी में जहाँ भी रिज्यूम डालेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अच्छा, इन नंबरों के साथ आप कौन सा सफर तय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? आगे बढ़ने के लिए तो बहुत लाइनें हैं, लेकिन हमने सोचा अपनी इंजीनियरिंग का। सर जी, इंजीनियरिंग को लेकर आपने मतलब क्यों अपने मन में विजन बनाया? क्योंकि सर, मेरा जो घर का काम है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, माय फादर इज इंजीनियर, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया जाए टेक्निकल तरीके से। अब हमारे सामने खदीजा जी हैं, इन्होंने GGIC में, GGIC का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, और किसी भी कॉलेज का टैग उसकी योग्यता को जज नहीं करता, किसी स्टूडेंट की योग्यता को। GGIC से हमारे टॉप 10 में 8 स्टूडेंट ने जगह बनाई है, जिसमें पहला स्थान खदीजा जी का है। तो हमारा इनसे क्वेश्चन ये है कि आप अपने नंबरों को लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट हैं या आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और ज्यादा थी? सर, एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा ही थी, लेकिन जितनी ज्यादा थी उतने नंबर नहीं आए। सिस्टम की भी गलती है, सबको एक से नंबर दे दिए गए हैं, और यहाँ तक हमारी कॉलेज की भी गलती है, प्रैक्टिकल में भी सही नंबर नहीं दिए जाते हैं, और सिस्टम की तो है गलती, लेकिन जो भी है हमारे पास उतने से हम लोग संतुष्ट हैं। और जो है, लेकिन चाहते और थे ज्यादा, लेकिन हमारे सामने जितनी मेहनत करी थी उतने नंबर नहीं आ पाए। अच्छा, NTCSP में जो पढ़ाई का सिस्टम है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उससे बच्चों को क्या फायदा होता है या कोई दिक्कतें कहीं पर आती हैं? हम कहना चाहेंगे कि NTCSP में जितनी भी पढ़ाई होती है उसी हिसाब से तो हम मंडल तक पहुंच सकते हैं, अगर हम पूरी मेहनत सर के साथ करें। हमारे तीनों सर भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम इतना खराब चल रहा है कि नंबर उस तरह से दिए नहीं जाते हैं हम लोग को, लेकिन हम उतनी मेहनत करेंगे और जो है जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी करें, और हमारे सर के साथ साथ दें तो हम लोग आगे बहुत मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब हमारे सामने राय विष्णु दयाल से तुषार गुप्ता जी हैं, इन्होंने अपने कॉलेज में 3rd रैंक प्राप्त की है, और मेरा इनसे सवाल ये है कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जो आपने पढ़ाई करी उसमें आपने क्या कंटिन्यूअस एक ही फ्लो में पढ़ाई करी, या आपकी पढ़ाई बीच में अच्छी हुई या बीच में खराब हुई, या आपने अपनी पढ़ाई को अपग्रेड किया?
सर पढ़ाई तो सही चलती रही है लेकिन हम लोगों ने एक ही लिमिट से पढ़ाई करी है और जैसा कि स्कूल वाले हैं बीच बीच में हम लोगों को डराते रहते हैं ये करना है लेकिन हमने ऐसा नहीं करा है और हमने सिर्फ एक ही फ्लो में पढ़ाई करी है और उसी मुकाम पर ये हासिल किया है। और अपने जूनियर्स को कुछ आप कहना चाहेंगे? जूनियर से हम ये कहना चाहेंगे कि नंबर मैटर नहीं करते हैं, आप जितनी उम्मीद करते हैं अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आपको थोड़ा बुरा लगता है लेकिन आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आप उस टैलेंट को लेके आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए नंबर मैटर नहीं करते हैं। अच्छा, आप अपनी लाइफ में क्या आगे करना चाहते हैं? सर वैसे तो अभी हमने बी फार्मा करने की सोची है, जैसे हमारे पापा जी ने कहा था मेडिकल लाइन में जाने के लिए, तो अभी हमने वही करने के लिए बोला। अब हमारे सामने सुदामा प्रसाद से ही गुनगुन पासवान जी हैं, हाई स्कूल में भी ये टॉपर रही हैं और इस साल भी इन्होंने अपने कॉलेज में एक अच्छी जगह बनाई है। तो मेरा इनसे सवाल ये है कि जो आपका फ्रेंड सर्किल है, आपके फ्रेंड सर्किल में आस्था जी ने और दिविशा जी ने, इन्होंने भी कॉलेज में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया है, तो एक अच्छे फ्रेंड सर्किल का अपनी पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर एक अच्छे फ्रेंड सर्किल का अपनी पढ़ाई पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स अगर हमसे आगे बढ़ते तो हमारी भी इच्छा रहती है कि हम भी उनके जैसे करें पढ़ाई में अच्छे हो। एक अच्छे फ्रेंड सर्किल का हमारी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा ही प्रभाव पड़ता है, सारे बच्चे जब मतलब अच्छे से पढ़ाई करते हैं एक संग, कोई उनके अंदर सपना होता है किसी चीज को लेकर के, तो मतलब सबकी आशा होती है कि अपनी उम्मीदों पर खड़े होते हैं, तो इस हिसाब से जो भी हमारे फ्रेंड्स है वो भी हमको उत्साहित करते रहते हैं कि हम जो भी ठीक से पढ़ाई करें। जब आप NTSSP पढ़ने आए तो आपके मन में कुछ एक्सपेक्टेशन NTSSP को लेकर होंगी, तो कितनी एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हुई आज से? सर एक्सपेक्टेशन तो बहुत पूरी है, वो अलग बात है कि हमारे नंबर उतने नहीं आए जितनी की उम्मीद थी, लेकिन कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अब यही है कि NTSSP ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमेशा ये हमको याद रहेगा, बहुत सी चीजें जो एक बार में नहीं आती सर, हमारे 10-10 बार 11-11 बार टेस्ट देते हैं, बहुत बार देते हैं, तो इस हिसाब से हम लोगों को बहुत सी चीजें जो पहली बार में नहीं आती है वो अंत तक आराम से आ ही जाती है। हमारे सामने GGIC से ही सेकंड टॉपर झलक गुप्ता जी हैं, इन्होंने GGIC में सेकंड रैंक अपनी हासिल की है, तो मेरा इनसे सवाल यही है कि जो आपके नंबर आए हैं उन नंबरों को लेकर आपके गार्जियन कोई डिसअपॉइंट तो नहीं हुए? हुए हैं सर, क्योंकि जितना अच्छे एग्जाम्स हुए थे उतना अच्छा रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिला है, यहाँ तक कि जितनी हमारी टीचर्स ने मेहनत की है उतना भी रिजल्ट नहीं मिला। इसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? इसका जिम्मेदार हम सिस्टम को मानते हैं और कुछ गलतियाँ हमारे स्कूल की भी हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिकल्स में मार्क्स बहुत ही कम मिल रहे हैं। अच्छा, सिस्टम में आप क्या बदलाव चाहती हैं? सिस्टम में सर यही बदलाव चाहते हैं कि हमारी कॉपियाँ कायदे से चेक हों, जितना हम लोग डिजर्व करते हैं उतने हम लोगों को मार्क्स मिले। और अपने जूनियर्स को कैसे आप मोटिवेट करेंगे, क्योंकि जो इस साल परसेंटेज रही है उस परसेंटेज को लेकर थोड़ा सा जो आपके जूनियर्स हैं जो इस साल इंटर में आए हैं वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए हैं, उनको लगता है कि कितनी मेहनत करो नंबर नहीं आते, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम अपने जूनियर्स को मैसेज देना चाहते हैं कि बिल्कुल डरिए मत, हमारे सर आपके साथ हैं, और दूसरी बात इस साल के हालात को ज्यादा ही खराब थे, इस वजह से हम लोगों का रिजल्ट हो सकता है बहुत लो गया हो सकता है नेक्स्ट ईयर और कुछ अच्छा हो जाए, आपकी कॉपीज अच्छे से चेक हो जाएं। और अब इन नंबरों के साथ अपनी लाइफ में आप कहां आगे बढ़ना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं आगे? हम टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आगे एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं ताकि हम भी देश में थोड़ा सा सुधार कर सकें। अच्छा, बहुत सारी कोचिंग्स के बारे में आपने सुना होगा, आपके कई फ्रेंड कई अदर जगह भी पढ़ते होंगे, तो उनकी ओपिनियन में और आपकी ओपिनियन में क्या डिफरेंस लगा आपको NTSSP में? आपको NTSSP में वैसा क्या लगा, क्या सुनकर आप यहाँ पर पढ़ने हैं? NTSSP में हम बहुत कुछ सुनकर आए हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव हैं, सबसे मेन बात, और दूसरी बात ये कि NTSSP में जितने एग्जाम्स होते हैं उनको देने के बाद हमें बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम का डर नहीं रहता, हमारे टीचर्स हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, जब भी हमें थोड़ा सा भी डर लगता है वो हमेशा हमें समझाते हैं, तो जितने यहाँ प्री बोर्ड्स हुए हैं उनको लेकर हमें बोर्ड्स का एग्जाम का डर बिल्कुल भी नहीं लगा, सो थैंक्स टू अवर टीचर्स। अब हमारे सामने नेक्स्ट टॉपर आर कन्या इंटर कॉलेज से, जिन्होंने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। तो अपने नंबरों को लेकर पहले तो आप हमें ये बताइए संतुष्ट है या नहीं? अच्छा, आप नंबरों को अपनी योग्यता का आकलन मानती हैं या अपनी जो आप डिजर्व करती हैं उसको, जो आपकी योग्यता है
जिसको आप डिजर्व करती हैं उसको आप प्रेफरेंस देती हैं, नंबरों को आप अपनी योग्यता का आकलन मानती हैं? नहीं, हम अपने नॉलेज को मानते हैं, नंबर मैटर नहीं करते हैं। अच्छा, नंबर कमाने का जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? नंबर का सिस्टम को मानते हैं, और इस समय हालात भी बहुत खराब हुए हैं, इस वजह से नंबर थोड़े कम आ गए हैं सबके। सिस्टम में क्या बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से? कॉपी अच्छे से चेक होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल है वो अच्छे से होने चाहिए, नंबर सब अपनी नॉलेज के हिसाब से मिलने चाहिए सबको। अच्छा, लॉकडाउन जो ये चल रहा है, इस काफी लंबा टाइम पीरियड खिंच गया है, इस लॉकडाउन में आपने क्या किया? अपने जूनियर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जूनियर्स को बस इतना कहना चाहते हैं कि डरिए मत बिल्कुल भी, और ये तो समय बहुत कठिन चल रहा था इसलिए नंबर सबके कम आए, आगे आप लोग मेहनत कीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक, अब आपके सामने GGIC से एक और टॉपर जिन्होंने GGIC में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, और सोनल यादव जी, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि अब अपनी लाइफ में इन नंबरों के साथ आप जो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो आपने कौन सा करियर चुना? सर, बिकॉज़ मेरे पास बायोलॉजी थी, तो इसलिए मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहूंगी। तो मेडिकल के लिए आप कौन से फॉर्म आपने डाले हैं, इसकी तैयारी आप करना चाहती हैं? सर, वैसे तो GTI का फॉर्म इस बार नहीं भरा, लेकिन अब हम BSc नर्सिंग का सोच रहे हैं। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप अपने सिस्टम में क्या बदलाव करेंगी? सिस्टम में यही सबसे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ हर चीज को देखा जाता है, लेकिन जो है शिक्षा में कोई बदलाव नहीं आता, तो सबसे पहले मैं शिक्षा में ही बदलाव करना चाहूँगी। शिक्षा में कौन से मूलभूत बदलाव आप चाहती हैं? इस बार ये देखने को मिलता है जो बच्चा जो डिजर्व करता है उसे वैसा नहीं मिलता, तो सबसे पहले जो जैसा डिजर्व करता है उसको वैसा ही मिलना चाहिए, यही सबसे पहला। अच्छा, जो स्टडी होती है उसमें कोचिंग का कितना बड़ा रोल होता है? कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि स्कूल में इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि कोचिंग में दिया जाता है, तो कोचिंग का सबसे ज्यादा रोल होता है हमारे टीचरों का। जो आपकी कोचिंग वगैरह में टेस्ट होते हैं, तो वो आपकी लाइफ में क्या मैटर करते हैं? वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि उससे ही हमारे आगे की तैयारी होती है, क्योंकि अगर उसको बीट कर लिया तो फिर बोर्ड एग्जाम बीट करना बहुत ही पॉसिबल है। थैंक यू। अब हमारे सामने संजना कश्यप जी हैं, इन्होंने भी GGIC में एक अच्छी रैंक प्राप्त की है, बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं, बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं। तो मेरा इनसे सवाल वही पुराना सवाल है कि नंबरों को लेकर आप कुछ डिसअपॉइंट हैं या पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं? अब आप किस क्षेत्र में जाना चाहती हैं? BSc नर्सिंग ही क्यों करना चाहती हैं? डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहती हैं? अच्छा, ये इस लॉकडाउन में आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है या बिल्कुल पढ़ाई? जी, BSc नर्सिंग के लिए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं हम, GK GS पढ़ रहे हैं, इस समय बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक, थैंक यू। आइए,